बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्याएं, अत्याचार का विरोध खबर। बरेली से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए लगातार समाज सेवी संस्थाएं झापन के माध्यम से उक्त घटना का विरोध करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रही है। शनिवार को अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिला अध्यक्ष शारिक अब्बासी के नेतृत्व में दर्जन भर लोगों ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित मांग पत्र जिला अधिकारी कार्यालय में नगर मजिस्ट्रेट को दिया। शारिक अब्बासी, अखिल भारतीय वेलफेयर सोसाइटी का जिला अध्यक्ष हूँ। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन? आज हमने जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों के ऊपर जो लगातार जो मंदिरों को और अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के ऊपर जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसके संबंध में आज जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन पेश किया था और वो मिल नहीं पाए थे, उसके कारण सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया। किस तरीके का अत्याचार हो रहा है? जिस तरीके का, जैसे मंदिरों को टारगेट बना दिया जा रहा, तोड़ा फोड़ी की जा रही है और जो वहाँ के हिंदू भाई हैं उनको मारा जा रहा है, वहाँ की महिलाओं को उनके साथ गलत काम कराया जा रही है। ये क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन का एक संदेश जाने वाला था, आज लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। मैं अल्लाह ताला परवरदिगार मौला से दुआ करता हूँ बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर जो है जैसे उनकी मदद की जाए और जो भी परेशान है वहाँ पर उन लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम किया जाए। मैं मौला से दुआ करता हूँ। बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए क्या करना है? नहीं, बांग्लादेश के मुसलमानों की बात करूँ या हिंदू भाई, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। क्यों, बांग्लादेश की तो आपने जब मैं ज्ञापन दिया तो बांग्लादेश की भी की और मुसलमानों की भी कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जो जो दिक्कतें हो रही हैं, बांग्लादेश की बात करी आप संभल के अंदर देख लें, संभल की बात भी मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ आपके मीडिया जो मीडिया के माध्यम से छोटी छोटी सी बात जो है उठाई जाती है, इसलिए मैं उस मांग को भी कहना चाहता हूँ। ये यहाँ पर संभल के अंदर क्या कराया सबको पता है, किसने क्या कराया? माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है अपनी रोटी सेकना काम कर रहे हैं वहाँ पर, क्यों जाना चाहते हो? यानी कि पहली तरफ दंगा कराने का काम करा, फिर उसको जो है दंगे को समेटना खत्म करने का काम कर रहे हो आप। वहाँ के जो है संभल के SSP साहब का और CO साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उनको सम्मानित करने का काम करे, जिन्होंने दंगा रोकने का काम किया। क्या लगता है किसके द्वारा संभल में हिंसा भड़काई गई है? ये समाजवादी पार्टी के सांसद का काम है भाई, क्यों आप धमका रहे हो? पहले दिन जब सर्वे हो गया, दूसरे दिन ये तो भाई कोर्ट का और जिलाधिकारी का महोदय का वो है, जब कोई भी काम अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। IPS अफसर है, कोई छोटा मोटा अफसर तो है ही नहीं, तो वो बहुत सोच समझ के काम किया। ये जो नफरत की जो राजनीति लोग कर रहे हैं, जिस तरीके की पूरे प्रदेश को जलाने का काम कर रहे हैं ये अखिलेश यादव जी, ये बहुत गलत कर रहे हैं, इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंचेगा।